अज कोई बोलेगा शगन प्रीत दा भेद खोलेगा। शगन प्रीत की क्या भूमिका थी? शगन प्रीत का रोल एलेबोरेट है इस सारी चीज में। वो जो शूटर थे, पहले वो देहरादून से उन्हें एक इंस्ट्रक्शन आती है, आगे उन्हें ओवरसीज से आती है, फिर वो यमुनानगर आते हैं, एक फ्लैट होता है, उसमें एक दो लोग जो म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, छोटे वर्कर वो भी होते हैं, उन्हें भी पहले से पता होता है कि शगन प्रीत के कुछ गेस्ट ने रुकना है। शूटर की कॉल किसी बंदे से होती है। कौन करवाता है? शगन प्रीत करवाता है। क्या उसके बाद पंजाब पुलिस को उनको पकड़ना नहीं चाहिए था? उसको बाहर चला गया। 28 मार्च को शूटर्स पकड़े हैं दिल्ली पुलिस ने। मूसेवाला दी मैनेजर दा मर्डर मिस्ट्री कनेक्शन एबीपी सांझा ते। दो राजनीतिक पार्टियां, दो लीडर, दो गैंग और दो हत्याएं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद मचे हंगामे में कई तार आपस में जुड़ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या इसलिए करवाई क्योंकि वो अपने पुराने जानकार विक्की मिडूखेड़ा की हत्या का बदला लेना चाहता था, लेकिन सिद्धू मूसेवाला के पुराने दोस्त और मैनेजर शगनप्रीत का रोल कहां आता है? दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर एचजीएस धालीवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। दिल्ली पुलिस के सेल ने ही सबसे पहले विक्की मिडूखेड़ा के कातिलों को पकड़ा था, वो बंबीहा ग्रुप के थे, और अब सिद्धू मूसेवाला के शूटर्स को भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ही पकड़ा, वो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के हैं। धालीवाल साहब, ये दोनों ग्रुपों के बीच में शगनप्रीत की क्या भूमिका थी? आपने तो सारी इंटरोगेशन की होंगी, क्योंकि अब पेच जाकर शगनप्रीत पर फंस रहा है। शगनप्रीत का रोल काफी एलेबोरेट है इस सारी चीज में। जब विक्की मिडूखेड़ा की किलिंग हुई थी, वो जो शूटर थे, पहले वो देहरादून से उन्हें एक इंस्ट्रक्शन आती है और आगे उन्हें ओवरसीज से आती है, फिर वो यमुनानगर आते हैं। यमुनानगर उन्हें एक सोमवीर नाम का व्यक्ति मिलता है और उन्हें I-20 गाड़ी दी जाती है, 3 पिस्टल दिए जाते हैं और 150 राउंड दिए जाते हैं। वहाँ से वो I-20 लेके पंचकुला आ जाते हैं। पंचकुला आने के बाद वो मोहाली में एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बाहर वो मिलते हैं, जहाँ उन्हें शगनप्रीत रिसीव करता है। वहाँ शगनप्रीत उनको रिसीव करने के बाद वो सारा एरिया दिखाता है और शाम को वो उनको जलवायु विहार सनी इनक्लेव ले जाता है। वहाँ पे पहले से पता होता है कि कोई शगनप्रीत के गेस्ट हैं, उन्होंने रुकना है। एक फ्लैट होता है, उसमें एक दो लोग जो म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, छोटे वर्कर वो भी होते हैं, उन्हें भी पहले से पता होता है कि शगनप्रीत के कुछ गेस्ट ने रुकना है। तो दो मेन शूटर जो हैं, अनिल लठ और सज्जन भोलू, साथ होते हैं, सोमवीर होता है। फिर ये रात को उनके लिए खाना भी लेके आता है शगनप्रीत। और उसके बाद ये फेसबुक से उनको विक्की मिडूखेड़ा की फोटो दिखाता है। तकरीबन ये देर रात तक सारी बात चलती है। एक शूटर की कॉल किसी बंदे से होती है, जो कि ओवरसीज भी हो सकता है या कहीं भी हो सकता है। नाम तो काफ़ी बड़ा लिया जाता है, लेकिन हम क्योंकि वेरीफाई नहीं कर पाए, इसलिए हम उसको डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि बात कौन करवाता है। शगनप्रीत करवाता है ये, क्योंकि आगे इन्वेस्टिगेशन का भी विषय, नाम पटियाल का लिया जाता है, लकी पटियाल का, लेकिन उस साइड कौन था ये, क्योंकि अगेन जांच में अभी ये नहीं था, क्योंकि हमारी फिर वही बात है कि शूटर पकड़ने वाला हमारा मेन फोकस था। अब विक्की मिडूखेड़ा में वो आएगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, लोकल पुलिस जानेगी कि किससे बात हुई। तो ये उस रात की बात है। सुबह फिर 7 तारीख को वो उनको मिलता है, और मिलने के बाद जो इसकी अपनी स्विफ्ट कार थी, मतलब इनके पास पहले स्विफ्ट कार में ले जाता है, फिर बाद में इनको दोबारा I-20 दी जाती है, तो गाड़ियां इंटरचेंज होती हैं। ये भी शगनप्रीत ही देता है उनको? हाँ, और ये भी पता चला था कि शायद इसने अपनी फॉर्च्यूनर देके स्विफ्ट ले ली थी, क्योंकि स्विफ्ट जो है वो ज़्यादा नोटिस में नहीं आती और फॉर्च्यूनर ज़्यादा नोटिस में आती है। तो फिर इनको 71 की मार्केट के पास, जहाँ पे इवेंचुअल किलिंग होती है, वहाँ पे छोड़ के ये अलग हो जाता है। हाँ, एक चीज़ और भी सामने आई थी, जब शूटर गाड़ी में थे, शगनप्रीत था, तो तब ये गाड़ी की नंबर प्लेट भी चेंज करते हैं वहीं पे थोड़ी देर पहले। खरड़ में या मोहाली में? मोहाली में, लेकिन शूटर्स क्योंकि बाहर के थे, हरियाणा के अलग अलग एरिया के वो शूटर्स थे, उनको क्योंकि लोकल मोहाली का तो ज़्यादा पता नहीं था,
तो लेकिन उनको बता दिया था, घर दिखा दिया था इसने, फ़ोटो दिखा दी थी और वो वेट कर ही रहे थे। उन्होंने पहले बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट की लिंक्स करी हुई थी, बाकी का तो सारा फिर सीसीटीवी में भी कैप्चर हो गया। शगनप्रीत की अगर इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, शूटर आए, उसने रुकवाए, रैकी करवाई, फ़ोटो दिखवाई, बात भी करवाई किसी से, क्या उसके बाद पंजाब पुलिस को उनको पकड़ना नहीं चाहिए था उसको? नहीं, वो बाहर चला गया। 28 मार्च को शूटर्स पकड़े हैं दिल्ली पुलिस ने, बेंगलोर से पकड़े थे दो, तो जो सज्जन भोलू और अनिल लठ था, और एक बाद में लग से पकड़ा गया। अब उस दौरान मतलब इन्फॉर्मेशन, मतलब पहले तो दिल्ली पुलिस ने इंटरोगेट किया होगा, उनकी इन्फॉर्मेशन जो भी थी, अब आगे का तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। शगनप्रीत का इतना सब करने के पीछे आप इस नतीजे पर पहुंच पाए कि आखिर इसकी वजह क्या थी कि विक्की मिड्डू खेड़ा को मरवाने के लिए शूटर आ रहे हैं, उनको ठहराया जा रहा है, आखिर शगनप्रीत ऐसा करना क्यों चाहता था, उसको क्या ज़रूरत थी? शगनप्रीत की हमने कोई क्वेश्चनिंग नहीं करी, तो उस पर बहुत मतलब कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। क्या शूटर्स के पकड़े जाने के बाद आपको लगता है कि शगनप्रीत की इंटरोगेशन स्पेशल सेल को करनी चाहिए? नहीं, वो तो लोकल पुलिस के पास विक्की मिड्डू खेड़ा का केस है और ऑलरेडी जैसा हमें सुनने में आया है वो वापस आना चाहता है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहता है। आगे तो वही देखेंगे कि जो इसने ठहराया या किया, क्या वजह थी, क्या कारण था, कितनी इसको नॉलेज थी जब फोटो दिखाई, तो काफ़ी चीज़ें तो बड़ी मतलब ऑब्वियस ही हैं, बट लेकिन अब कंक्लूसिव तो कोई चीज़ इन्वेस्टिगेशन में ही हो सकती है। जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में है, शगनप्रीत ने जो अपनी पिटीशन लगाई है उसमें शगनप्रीत कहता है कि ये तो 10 अप्रैल को जो है वो किसी भी अजय एलियस सनी के नाम के इंटरोगेशन में आने के बाद मेरा नाम डाल दिया गया, जबकि मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से आप बता रहे हैं वो तो लग रहा है कि पूरी प्लानिंग का राजदार था। देखो, मैं वो बता सकता हूँ जो हमारी इंटरोगेशन में बात सामने आई है या जो बंदे पकड़े गए हैं उन्होंने जो बताया है, जो कि काफ़ी हद तक पब्लिक डोमेन में भी है, जो इसने रिसीव किया है, ठहराया है, वो तो सारा सोसाइटी में एंट्री है। उनको पता ही था कि इसने अपने इसके कोई जानकारों ने आना है, खाना लेके आया। अब ये चीज़ें तो डिनाई करने वाली है ही नहीं कि जब आपने किसी को रिसीव किया, आप आगे उसको रात को ठहराने ले जाते हो, फेसबुक से फ़ोटो दिखाते हो, अगले दिन सुबह घर दिखाते हो, तो ये चीज़ें तो डिनाइल वाली नहीं है। विक्की मिड्डू खेड़ा मर्डर केस का मास्टरमाइंड कौन था? आप अभी इस मुकाम पर पहुंचे या नहीं? देखो, ये चीज़ें अब विक्की मिड्डू खेड़ा में गेन, क्योंकि ये तो एक स्पेशल सेल का ऑपरेशन था जिसमें यू नो उन्होंने ये सारा कौशल चौधरी, लक्की पटियाल, बम्बीहा ग्रुप के काफ़ी सारे लोगों को पकड़ा था, 12 लोग थे टोटल, तो कई महीने ये चला, इसमें काफ़ी लोग पकड़े गए। तो अगेन, क्योंकि वो मर्डर केस हमारे इधर का नहीं था, तो बियॉन्ड अ पॉइंट जो पकड़ने के और इनकी फिर इनकी इंटरोगेशन से तो बहुत कुछ पता चला। इन्होंने वो एक डिप्टी वाला मर्डर कर रखा है, एक बठिंडा वाला जो दो यंग वो थे उनका मर्डर कर रखा है, फरीदाबाद में इन्होंने एक कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट लेवल के उसका मर्डर कर रखा है, दो तीन लोग तो इन्होंने मिस्टेकन आइडेंटिटी में मार दिए। अब ये तो कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, तो लगातार करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। ये पता लगा कि लठ और भोलू कैसे शगनप्रीत के टच में आए, इनको जोड़ने वाला कौन था, सोमवीर या कोई और? देखो, दो नाम आए, एक तो रविंदर चौहान का आया, उसने इनको बोला, गाड़ी दी और इनको 3 पिस्टल दिए और 150 कारतूस दिए। रविंदर चौहान कौन है, अगेन ये तफ्तीश में देखना पड़ेगा। सोमवीर का आया, सोमवीर तो इनके साथ ही गाड़ी में था जब ये सारा शूट आउट हुआ, वो गाड़ी में था, 3 ये शूटर थे, 2 ने पहले फायरिंग करी और ये जब विक्की मिड्डू खेड़ा उतर के इसने भागने की कोशिश करी, वो अजय लेफ्टी था जो लेफ्ट हैंड से फायरिंग करता था, उसने इसको आगे से घेर लिया। हाई कोर्ट में यही कह रहा है कि अजय के बयानों के ऊपर शगनप्रीत कह रहा है कि मुझे पुलिस ने नामजद किया इस केस में, ये 7 अगस्त 2021 को अगर केस हो गया तो वो कह रहा है कि 6 अप्रैल तक मैं हिंदुस्तान में ही था, ऑस्ट्रेलिया नहीं आया था, मैं 6 तारीख को ऑस्ट्रेलिया आता हूं और 10 तारीख को मुझे नामजद कर लेती है पुलिस। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या अगर शगनप्रीत को समय रहते पुलिस उस तक पहुंच जाती तो सिद्धू मूसेवाला को बचाया जा सकता था? जो चीज़ जगविंदर जी हुई नहीं, वो कैसे हम, वो तो एक गैस है, मतलब हर आदमी का एक अपना अनुमान होगा इस पे कि अगर ये होता तो क्या हो सकता था, मतलब क्योंकि अगस्त से लेकर अप्रैल तक कई महीने, 7-8 महीने हो गए। हाँ, अगर पहले जैसे मर्डर हुआ था, विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर हुआ, उसी टाइम पकड़े जाते, कुछ तफ्तीश ज्वाइन करते, मतलब ना बाहर जाता,
अपना रोल क्लियर करता। देखो, हर आदमी को अपना रोल क्लियर करने का तो पूरा हक है। अब एक क्रिमिनल की बात भी आप 100% तो नहीं मान सकते जो बात वो कह रहा है, लेकिन कुछ बातें तो इस्टेब्लिश्ड हैं, हम वो शेयर कर रहे हैं जो कि हुई हैं। शूटर्स को रिसीव किया है, रात को लेके गया है, ठहराया है, खाना लेके आया है, फेसबुक पे फोटो दिखाई है, अगले दिन उसका घर दिखाया है। 100% प्लानिंग का हिस्सा था शगनप्रीत। आगे उसको अल्टीमेट प्लानिंग में कि क्या उन्होंने फायरिंग करनी है, मारना, मतलब क्या इसका, कई बार क्या होता है क्राइम में, किसी जैसे रेकी वाले का एक रोल होता है कि ये बताना कि मूवमेंट है। जैसे हमने सिद्धू मूसेवाला की प्लैंड किलिंग में ही देखा कि वो जो संदीप केकड़ा था, जो भी था, और एक और आदमी बाद में पकड़ा गया, उनको काम ये था कि उनको ये बताना था कब मूवमेंट होती है, कैसे जाते हैं, साथ कौन है, गार्ड है नहीं है। हो सकता है इवेंचुअली उस दिन का उन्हें ना भी पता हो कि ये ऐसे उनको एम्बुश होगा। तो अब ये वाला पार्ट तो क्लियर है जो इसने किया, अब आगे इसको और आगे क्या था कि उनको मार देना है या इनके पास वेपन है नहीं, मकसद है, मकसद क्या था। हाँ देखो, वो बात कहनी गलत होगी। अगर हो सकता है इसको, अब ये तो पता ही नहीं है, तो गेस वाली बात है, मतलब हो सकता है इसे पता हो ना हो कि वेपन उनके पास है या मारना चाहते हैं। कई बार होता है कि हमने इसको मिलना है, ये मिल नहीं रहा, कोई मतलब ऐसी कोई भी बात, मतलब ये तो एक, मुझे लगता है कि नंबर प्लेट्स बदलना, ये सब करना, विदेश में किसी से बात करवाना चाहे जो भी हो, तो उसको इतना साधारण ढंग से हम नहीं ले सकते। शगनप्रीत ऐसा क्यों कर रहा था? हाँ नहीं, बड़ा एलैबोरेट, देखो वो तो एक बड़ी डिटेल्ड इसमें इंटरोगेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पूछा जाना चाहिए, उसके बाद फिर वो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है फिर कंक्लूड कर सकती है कि इसको क्या इवेंचुअली भी पता था या इसको सिर्फ यहाँ तक था इसका रोल कि इसको शक फोटो दिखानी है, घर दिखाना है, गाड़ी बदलवानी है। तो कई बार ये इतना एलैबोरेट क्राइम करते हैं लोग। धालीवाल साहब, शूटर्स की इंटरोगेशन में कहीं भी ये बात सामने आई कि शगनप्रीत जो जानता था उसकी जानकारी सिद्धू मूसेवाला को भी थी उस वक्त? नहीं, ऐसी कोई हमारे सामने नहीं आई है, कहना गलत होगा। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बात उनको, शूटर्स को पता थी कि जो शगनप्रीत है ये सिद्धू मूसेवाला का दोस्त है और उसका मैनेजर भी है, ये पता था या नहीं? नहीं, इनकी इंटरोगेशन में ये बात भी, उस टाइम इनका फोकस सिद्धू मूसेवाला बिल्कुल भी नहीं था, इनका था, शूटर्स को तो ये था कि इनको एक आदमी ये चीज़ें बताएगा, इनको रिसीव करेगा, इनको दिखाएगा, और इनको तो आगे पता ही था इनको तो मारना ही था। अब ये जो मारने वाली बात है, इन्होंने शगनप्रीत से शेयर करी है नहीं करी है, देखो जैसा हमने सिद्धू मूसेवाला में देखा उसमें कितनी कड़ियाँ हैं, जो असला लेके आ रहा है उसे ये नहीं पता कि असला क्यों दे रहे हैं, लेने वाले को भी पता नहीं पूरी ब्रेकअप, रेकी वाले को ये नहीं पता क्यों आगे इन्फॉर्मेशन जा रही है, दोनों मॉड्यूल्स को भी पहले से नहीं पता कि हम दो मॉड्यूल होंगे। तो इसी तरीके से राइवल गैंग है, इन्होंने अब कितना उसको, मतलब आगे का इवेंचुअल पता था कि नहीं, ये तो तफ्तीश में ही एस्टेब्लिश हो पाएगा। ये बात पता लगी कहीं शूटर्स के इंटरोगेशन में कि वो कब से इस विक्की मिडुखेड़ा मर्डर केस की प्लानिंग कर रहे थे और किसने ये कंसाइनमेंट उनको सौंपी थी, पैसा कहां से आया उनके लिए? कौशल चौधरी के शूटर थे, तो कौशल चौधरी एक तो उसका कजन ही है, और एक इनको रविंद्र चौहान, मैंने आपको बता दिया, उसने I-20 दी, 3 पिस्टल दिए, टिपिकल इनका ऑर्गेनाइज्ड है कि एक आदमी मिलेगा, गाड़ी देगा, वेपन देगा, असला कारतूस देगा, वहाँ जाएंगे गाड़ी लेके तो वहाँ कोई रिसीव करेगा, वो इनको आगे दिखाएगा, कोई ठहराएगा, फिर ये वारदात करके इनको कोई और लेके जाएगा, तो ये तो उसी प्लानिंग का पार्ट है। ये पूरा जो नेटवर्क चल रहा है पंजाब में, गैंग वॉर चल रहा है, गैंगस्टर्स का नेटवर्क चल रहा है, दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल भी इसमें काफी हद तक अंदर घुस चुका है। अब जो एक पटीशन फाइल की गई है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में, एक आदमी ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, नाम है शगनप्रीत, और उसका कहीं ना कहीं नाम आता है विक्की मिडुखेड़ा मर्डर केस में। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद वो अचानक हाईकोर्ट में आकर रिट लगाते हैं और कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है और मुझे तो खामखा इस केस में नॉमिनेट किया गया है। क्या मकसद हो सकता है? क्या वो आदमी विदेश आना चाहता है या कोई ऐसा इनपुट आपको भी मिला है कि उनको ऑस्ट्रेलिया में दूसरे गैंग से खतरा हो गया इसलिए वो यहाँ आना चाहते हैं? नहीं, खतरा तो हो सकता है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, मतलब खतरा तो अगर एक गैंग से किसी की कोई नज़दीकी है या एक गैंग को लगता है कि इन्होंने हमारे गैंग मेंबर को मरवाया है तो दूसरे गैंग से खतरा हो सकता है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, डाउट वाली, और वापस आना चाहते हैं। अब इतना नाम आ गया, इतनी बड़ा वारदात हो गई, तो आई थिंक हर आदमी चाहता है कि मैं मतलब अपना पक्ष पेश करूँ या इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूँ,
और हर आदमी को मौका मिलना भी चाहिए। अगर शगनप्रीत भारत वापस आ जाता है तो दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल उनको इंट्रोगेट करना चाहेगा? देखो, हमारा वो विक्की मिड्डू खेड़ा तफ्तीश हमारे पास नहीं, तो हम तो हमारा अभी फिलहाल कोई ऐसा वो नहीं है। कोई और ऐसे लोग इनको जानते हो जो लोग आपके किसी केस में वांटेड रहे हो, या शगनप्रीत या लठ ने या भोलू ने बताया हो कि और शूटर उसके साथी या कोई और दूसरे गैंग्स के लोग हैं जो उस टाइम साथ थे या मिले थे, इस तरह की कोई इनपुट लेने के लिए? नहीं, वो तो नहीं, लेकिन कुछ जो हमें अब लग रहा है कि हमारे अब इतना लोगों ने काम एक्सटेंसिव इन दोनों नेटवर्क्स पे किया है, कुछ उनके जो और इम्पोर्टेंट केसेस हैं जिसमें हमें लग रहा है कि पकड़े नहीं गए, तो उस पर भी, क्योंकि अगर कुछ वर्किंग हो सके और हम कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर कुछ लोग जो अभी बच रहे हैं उनको पकड़ा जा सके तो अच्छा होगा। कई राज्यों की पुलिस काफी अच्छी कोशिश करती है, पकड़ती भी है, समय समय पर शूटर्स को पकड़ा जाता है, उनके मास्टरमाइंड्स को पकड़ा जाता है, लेकिन ये जेलों से ये गैंगस्टर्स का नेटवर्क खत्म हो क्यों नहीं रहा? आखिरकार अंदर से फिरौतियां ली जा रही हैं, चाहे लॉरेंस है, चाहे बम्बिया ग्रुप है, ये लोग जो है वो करोड़ों रुपए की फिरौती इकट्ठी कर रहे हैं। काफ़ी सारे अब गैंगस्टर जो हैं, अब हम देखते हैं बड़े सीरियस केसेस के बड़े बार इनकी बेल हो जाती है, पेरोल हो जाती है, पेरोल जंप कर जाते हैं, उन्हें लगता है जैसे अब ये प्रोफेशनल शूटर ही हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल किलिंग कर रहे हैं, तो इनको अल्टीमेटली लगता है कि विटनेस किसी ने आना नहीं है, अगर वेपन कनेक्ट नहीं हुए तो इन्होंने 2-4 साल में छूट जाना है। ये तो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे ही वो है कि इतना डिटरेंस शायद हमारे सिस्टम में ही नहीं है कि आप पकड़ भी लेते हो सही आदमी को, कुछ कानून की लिमिटेशंस हैं, विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम हो जैसे बाहर होता है कि आदमी को लगे कि मैं अगर गवाही दूंगा तो मेरी जान भी उसकी बची रहेगी, उसको कोई, जैसे बाहर तो देखो बहुत हद तक जाते हैं, उसकी आइडेंटिटी तक चेंज कर देते हैं इम्पॉर्टेंट केसेस के विटनेसेस की, तो हमारे यहाँ विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम भी कोई ऐसा बहुत लेबोरेट नहीं है। कुछ जेल में भी कमियां हैं, पुलिसिंग में भी कमियां हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, मतलब तो हर चीज में सुधार की तो जरूरत है। क्योंकि आप लोगों के ये एफर्ट जो आपकी टीम में इतने इतने दिन काम करती हैं, वो सही मायने में तो एफर्ट हम तभी फ्रूटफुल मानेंगे कि केस ब्रेक करने के बाद वो अपराधी, उस गैंगस्टर ने फिर दोबारा वो वारदात फिर फिरौती नहीं वसूली, तब हम कहेंगे कि ये चीज अब फुल प्रूफ हो गई, अब इससे आम जनता जो है वो सुरक्षित है, ऐसा नहीं हो पा रहा है। देखो, एक्सटॉर्शन एक तो ये है कि जगविंदर जी की जो हमने तमाम इंटरोगेशन से देखा है, काफ़ी एक्सटॉर्शन तो लोग जो बाहर बैठे हैं इनके नाम पे ही करे जा रहे हैं। अगर एक कॉल सही है तो 99 कॉलें दूसरे लोग कर रहे हैं, तो वो चीज़ एक अब सोसाइटल इशू भी हो गया है। काफ़ी जो छोटे क्रिमिनल हैं उनको लगता है बड़ा नाम ले दें, लॉरेंस का नाम ले दें या गोल्डी ब्राड का ले दें या किसी का ले दें जो बाहर बैठे हैं, तो वो भी करे जा रहे हैं। अगर छोटे क्राइम की खबर आने पर पुलिस बड़ा कदम उठा ले तो शायद ये वारदातें खुद रुक जाएंगी या बंद हो जाएंगी। अगर कोई आदमी गलत नाम से फोन कर रहा है और पुलिस उसको भी लॉरेंस समझ के इन्वेस्टिगेट करती है, तो जाहिर है जो छोटे भैया मोहल्ले वाला कर रहा होगा वो पकड़ा जाएगा गुंडा। वो वाइप कॉल नॉर्मली करेगा, 384 आप लगा दोगे, अब आप असलियत पे आ जाओ, पकड़ लिया आपने, उसने बोल दिया जी मैंने करी थी, हम अभी कल ही हमने कोई बड़े गैंगस्टर को पकड़ा है जेल से, उसने बोला जी करी है। जब वो अरेस्ट भी हो जाता है तो वो फिर उसकी 2-4 महीने बाद बेल हो जानी है, कोर्ट में उसने डिनाई कर देना, उसको आप कनेक्ट टेक्निकली लिमिटेशन है उसकी होने की, वॉइस अगर रिकॉर्डेड नहीं है या एडमिटेड उसकी कहीं पे, वॉइस से आप फॉरेंसिक्स करा के अगर कोई हो पाए तो है, अब ऐप्स ऐसी हैं जिसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं होती है, उन्हें पता है, तो मतलब वो बस एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि डिटरेंस ये है कि जब आपने अरेस्ट किया कुछ महीने वो अंदर रहा, अगर कोई इतना ही हार्डन्ड है, उसे पता है कि मैं कुछ महीने अंदर जाने के लिए तैयार हूँ और उसे लगता है कि मैं फिर बाहर आके करूँगा, तो उसको तो 100% रुकना मुश्किल है। क्या बम्बिहा ग्रुप का गौरव लक्की पटियाल ये भी आपके रडार पे है ऑपरेशन सेल के? हमारा मेन फोकस तो यही होता है कि अगर कहीं कुछ बड़ा हुआ जो कोई हमें लगता है कल को राजधानी में भी हो सकता है, तो हम उस पर थोड़ा प्रोएक्टिवली मूव करते हैं, क्योंकि अगर क्राइम की तो कोई देखो सीमा तो है नहीं, अगर कोई इंटरस्टेट गैंग है सारे वैसे भी, आज वो कहीं और कर रहा है, जिन लोगों ने उसका एक जगह मदद करी करने में क्राइम उसके साथियों ने, वो आज उसको बोलेंगे यहाँ करना है तो ये लोग उधर करेंगे, इसलिए हमें तो कोशिश करनी है कि जितना हो सके इन चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सके। जब लॉरेंस बिश्नोई के पूरे मामले की जांच पड़ताल मैं भी कर रहा था तो एक चीज़ सामने आई कि फिरौतियों का बहुत सारा पैसा लॉरेंस बिश्नोई गैंग थाईलैंड में भेजता है और
गोल्डी बराड और सतवीर नाम के एक शख्स को कनाडा में भेजता है। तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपया कनाडा भेजा गया और तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपया ही थाईलैंड भेजा गया है, और ये उनकी इंटरोगेशंस में भी बार बार बात आती है। आखिरकार क्यों ये पीएमएलए की जद में नहीं आता, क्यों इनके हवाला नेटवर्क को नहीं पकड़ा जाता? मनीष भंडारी नाम का जो शख्स थाईलैंड में इनका पैसा रिसीव करता है, क्यों उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस या ईडी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करती? देखो, बाहर से इनके साथी तो लाए गए हैं, कौशल चौधरी लाया गया है जो अपोजिट गैंग का था, और इधर से अब काड़ा राणा को लाया गया था, वरिंदर प्रताप सिंह को। जो पीएमएलए की कार्रवाई है वो नॉर्मली ईडी टेकअप करती है, उसके लिए जब प्री डिकेट ऑफेंस चाहिए वो हो गया, उसमें क्लासीफाई हो गया। तो जब ये हमारी चार्जशीट वगैरह होगी केसेस की, जैसे पंजाब वाले में भी होगी, तो दे कैन टेकअप, मतलब वो तो किसी भी स्टेज पे टेकअप कर सकते हैं। क्या आपकी इंटरोगेशन में मनीष भंडारी कहीं बीच में फिगर किया कि मनीष भंडारी नाम के बंदे को थाईलैंड में उसके क्लब में पैसा जा रहा है जहां ये अपना सरप्लस पैसा भेज देते हैं? ये एग्जैक्ट नाम तो नहीं, बट एक दो थाईलैंड के एसोसिएट्स का नाम है जिन्होंने रेस्टोरेंट वगैरह खोल रखे हैं। इनके साथी थे, वरिंदर प्रताप जो कड़ा रहना था वो तो बाहर बैठ के काफ़ी ये सारा चैनलाइज कर रहा था, उसको तो इंडिया ले आया गया। अब इंडिविजुअल रोल तो अभी काफ़ी लंबी चौड़ी तफ्तीश में बाकी है, तो तभी कमेंट कर सकते हैं जब फाइनल सारा कंक्लूड हो जाएगा। मूसेवाला मर्डर केस में जो शूटर बचे हुए हैं, स्पेशल सेल अब उनके पीछे है या नहीं? नहीं, हम तो हैं, एक आध जगह फिर वो मिस कर गई हमारी टीम्स, तो देखते हैं क्या होता है। जो जो शूटर्स अब बचे हुए हैं, लॉजिस्टिक वाले या जो गाड़ियां प्रोवाइड करवाने वाले, रैकी करने वाले, मोबाइल सिम देने वाले, हथियार देने वाले, वो तो पंजाब पुलिस ने काफ़ी पकड़ लिए, लेकिन मेन टारगेट वही है कि AK-47 चलाने वाले, उन लोगों को पंजाब चाहता है कि कब तक आप उनको ट्रैक कर लेंगे? क्या होपफुल हैं कि नहीं, हम जल्दी तो ऐसा हो जाएगा? पिछले 2-3 दिन में था हमें काफ़ी होप, लेकिन मिस आउट हुआ है, तो लगे हुए हैं, देखते हैं अभी कितना जल्दी हो सकता। एक चीज़ और लॉरेंस की इंटरोगेशन में आई कि उसने तकरीबन 2,32,00,000 रुपए के हथियार खरीदे पिछले 5-7 साल में, और ये ज्यादातर हथियार पहले तो वो मुंगेर और मध्य प्रदेश से खरीदता रहा, लेकिन इमरान खुर्जा नाम का एक आदमी एग्जिस्ट करता है और उससे उसने बुलंदशहर के आदमी से बहुत ज्यादा हथियार खरीदे, इस पूरी कहानी की क्या सच्चाई है? नहीं, एक को तो हमने इंटरोगेट किया था, मेहरबान है उसका नाम, खुर्जा का है, कुछ हमें भी आई थी इनपुट, तो एक की तो मौत हो चुकी है, 1.5 साल पहले मर गया कुर्बान, और उसका लड़का कुछ नारकोटिक्स वगैरह में इन्वॉल्व था, वेपन में कम था, तो ये सारी चीज़ें तो बड़ी ऑनगोइंग हैं। इसने जो इन्होंने बताया था, एक दो और साथी थे, सिर्फ यहाँ के नहीं थे, जो वेपन का किसी टाइम में काम करते थे, UAPA केस में कोई बंद था और उस साइड की ही जेल में था, उसने भी इसकी मदद करी AK सोर्स करने में। पर ये बातें ऐसी हैं कि इनको 100% जब तक आप या तो वेपन ही रिकवर ना कर लो या वो बंदा ही ना मिल जाए जो एग्जैक्ट है। अब इनके तो इतने साथी, मुकदमेबारी इसके इतने हैं, 400 तो इसके को अक्यूज हैं। AK-47 कहाँ से आ रही है, और क्या एक ही AK-47 का सौदा किया था लॉरेंस ने या उससे ज़्यादा थी? नहीं, जो हमें लगता है एक से तो ज़्यादा इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सोर्स करी है, और इसका तो देखो क्रॉस बॉर्डर भी कुछ हो सकता है इसमें, कोई मतलब 100% बोलना तो बड़ा मुश्किल होगा। बाकी इतना मतलब लंबा चौड़ा ये नेटवर्क है, काफ़ी चीज़ें हमने देखा है कि पहले IDs भी आई हैं, पहले असला भी आया है, नारकोटिक्स भी आता है, तो कई सारे उसके जरिए हो सकते हैं। देश में एंटी नेशनल एलिमेंट काम कर रहे हैं, प्लस ये गैंगस्टर्स का नेटवर्क आपस में मर्ज हो रहा है, ये मान ले हम? देखो, जितनी हमने इंटरोगेशन अभी तक दिखी है, वैसे तो जो ये गैंग एक्टिविटीज़ वाले हैं, काफ़ी इनको होता है कि गैंग में तो ये करते हैं, ये भी थोड़ा सा वैसे तो हमने अक्सर देखा है कि इनका भी होता है, इनको भी पता है कि किस साइड करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, लेकिन क्राइम में कब कोई आदमी क्रॉसओवर कर जाए, किस साइड चला जाए, उसका क्या उस टाइम पे उसके माइंड में होता है, तो 100% आप गारंटी से तो नहीं कह सकते कि अगर सिर्फ ऑर्गेनाइज गैंग आज कर रहा है तो कल को वो चीज़ इंटरनेशनल भी कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया धालीवाल साहब। धालीवाल साहब का स्पेशल सेल बड़ा शानदार काम कर रहा है, और खासकर पंजाब में जिस तरह से गैंगस्टर्स की एक्टिविटी बढ़ी थी, उसे तोड़ने में अगर पंजाब पुलिस लगी हुई है तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने भी बहुत शानदार भूमिका अदा की है। और देखिए,
खास बात यह है कि सिद्धू मूसेवाला और विक्की मिडुखेड़ा, ये दो मर्डर केस हुए। मैं अपने तौर पे ये मान रहा था कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब शगनप्रीत नाम का जो करेक्टर सामने आया है, जाहिर सी बात है कि स्पेशल सेल ने ही ये इनपुट पंजाब पुलिस को नहीं दिया है। पंजाब पुलिस के पास भी अब उसके खिलाफ FIR है, नामजद रिकॉर्ड है। अब हाईकोर्ट शगनप्रीत को राहत देता है या नहीं, इस पर आगे की जांच निर्भर करेगी। लेकिन हाँ, इन दोनों बड़े हत्याकांडों में एक शगनप्रीत को लेकर बड़ा उलटफेर और बड़ा खुलासा जरूर हुआ है, जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने शूटर्स को पकड़ा था उस वक्त इंट्रोगेशन में ये सब बातें सामने आ गई थी कि शगनप्रीत की भूमिका क्या है। जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले पर हम आगे भी जांच करते रहेंगे और सारा सच, चाहे वो पुलिस के माध्यम से सही या फिर अपने सूत्रों के माध्यम से, आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस पूरे इंटरव्यू पर आप अपना फीडबैक मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पर जरूर दीजिएगा।